अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब दोस्त। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिन्होंने बांग्लादेश को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। जी आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, आज हम देखेंगे जी द शेख हसीना की स्टोरी और उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री। तो पहले वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद करते हैं इस पर बात। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जी। नमस्कार दोस्तों, शेख हसीना पूरी दुनिया की इकलौती मुस्लिम महिला जिसने 5 बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास बना दिया। शेख हसीना के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था, तो फिर शेख हसीना कैसे बच गई? शेख हसीना को 6 साल भारत में नाम और पहचान बदल कर कैसे रहना पड़ा? उनका बंगला किसके नाम पर बुक था? इंदिरा गांधी के घर से शेख हसीना का घर कितनी दूर था? शेख हसीना पर बांग्लादेश के भीतर घुसने पर प्रतिबंध था, तो फिर वो कैसे बांग्लादेश पहुंच गई? और 5 बार की प्रधानमंत्री कैसे बन गई? कैसे वो इतनी शक्तिशाली बन गई कि उनके सामने लड़ने वाला 500 वोटों के लिए भी तरस गया? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, आज बात 300 में से 223 सीटें जीतकर 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली इस दुनिया की सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री शेख हसीना की होगी। दोस्तों तारीख थी 15 अगस्त, साल था 1975, भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, लाल किले से तिरंगा फहराया जा रहा था, लेकिन बांग्लादेश में उसी रोज तख्ता पलट की साजिशें चल रही थी। ढाका में गली नंबर 12 और गली नंबर 11 के बीच में पड़ता था धनमोड़ी का बंगला 32। ये बंगला शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के बंग बंधु कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का था, और मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। सुबह का वक्त था, बंगले के भीतर मौजूद शेख हसीना का पूरा परिवार पूरी तरह नींद से जाग भी नहीं पाया था कि अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। घर के बाहर टैंकों की आवाजें सुनाई देने लगी। गोलियों की आवाज सुन शेख मुजीबुर रहमान ने खुद को परिवार समेत एक कमरे में बंद कर लिया था। धनमोड़ी 32 के इस कमरे के भीतर सभी लोग बड़े तनाव में थे। कुछ समय के बाद जब गोलियों की आवाजें आना बंद हो गई, लोगों को लगा कि अब खतरा टल गया है। मुजीबुर रहमान ने बड़ी हिम्मत दिखाई और कमरे से बाहर आए, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आए उनके सामने 2 नौजवान बंदूक लिए खड़े थे। मुजीबुर रहमान ने उनसे बड़ी हिम्मत करके पूछा कि भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुजीबुर रहमान को कोई जवाब नहीं मिला। शेख मुजीबुर रहमान को बाहर लाया गया, सामने से बंदूक लिए एक व्यक्ति आगे बढ़ा और 18 गोलियां तब तक चलाई जब तक शेख मुजीबुर रहमान की मौत नहीं हो गई। सेना के इस तख्ता पलट की कोशिश में शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, उनके 3 भाई, उनकी मां की बारी बारी से हत्या कर दी गई। हमले में कुल 20 लोग मारे गए थे। शेख हसीना के घर का कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचा था। तो अब सवाल यह है कि फिर शेख हसीना कैसे बच गई, उनकी बहन कैसे बच गई, कहां थी शेख हसीना, वो कहां छिप गई थी? दोस्तों सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए आंदोलन करने वाले और भारत की मदद से बांग्लादेश बनवाने वाले बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान मारे जा चुके थे, लेकिन अभी भी 2 बेटियां सुरक्षित थी क्योंकि वो दोनों बांग्लादेश की सीमा से बाहर जर्मनी में थी। बांग्लादेश से 7,287 किलोमीटर दूर जर्मनी में फोन की घंटी बजी। खबर मिली कि बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान के परिवार समेत सबकी हत्या कर दी गई। फोन के दूसरी तरफ फोन उठाने वाली थी शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी शेख हसीना। जी हाँ, पिता की मौत की खबर सुनकर वो बेसुध हो गई। शेख हसीना पूरी तरह से टूट गई थी। जब उन्हें पता चला कि उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर मौत की घाट उतार दिया गया है, तो वे बदहवास हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस देश के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से विद्रोह किया, उसी देश में उनकी हत्या कर दी जाएगी। शेख हसीना भी इस बात का विश्वास नहीं कर पा रही थी। उनकी छोटी बहन शेख रेहाना ने उनको संभाला। शेख हसीना को बताया गया कि बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हो गया है, उनकी जान को भी खतरा है। शेख हसीना अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी बांग्लादेश नहीं जा सकी। सभी तरफ से निराश और हताश और दुखी शेख हसीना के लिए उस वक्त लगा कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, लेकिन ठीक उसी वक्त
शेख हसीना को इंदिरा गांधी के शासन वाले भारत से मदद की पेशकश की गई। भारत से मदद की पेशकश में शेख हसीना के लिए जीवन की एक नई उम्मीद थी। शेख हसीना अपनी बहन को लेकर के दिल्ली आ गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत बुलाया। दिल्ली के लाजपत नगर की रिंग रोड के पंथारा पार्क के पास एक घर में बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच शेख हसीना और उनकी बहन को रखा। भारत में करीब 6 सालों तक शेख हसीना अपना नाम और पहचान बदल कर रही थी। शेख हसीना को बांग्लादेश से तड़ीपार घोषित किया जा चुका था। वो बांग्लादेश नहीं जा सकती थी। उधर बांग्लादेश में जियाउर रहमान के नेतृत्व में सैन्य शासन स्थापित हो चुका था। 6 साल तक छिपे रहने के बाद शेख हसीना सामने आई। उन्होंने बांग्लादेश के लिए आवाज उठाई। साल 1981 में भारत में ही रहते हुए उन्हें आवामी लीग, जिसकी स्थापना उन्हीं के पिता ने की थी, उसका अध्यक्ष चुन लिया गया। अब शेख हसीना समेत पूरे बांग्लादेश की किस्मत बदलने वाली थी दोस्तों। आवामी लीग का अध्यक्ष चुने जाने के बाद शेख हसीना को हिम्मत आई। उन्होंने बांग्लादेश लौटने का निर्णय लिया। साल 1981 में ही वो बांग्लादेश लौट गई। जी हाँ, शेख हसीना करीब 6 साल बाद अपने देश लौट रही थी। अब देश लौटने पर भारी भीड़ उनके स्वागत के लिए पहुंची। देश लौटने के कुछ समय के बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और नजरबंदी का दौर शेख हसीना के लिए बड़ा लंबे समय तक जारी रहा। जब बंद होता था तब शेख हसीना पर तरह तरह के करप्शन के चार्जेस लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। बांग्लादेश के लिए बड़ा कठिन समय था। बांग्लादेश पर चुनाव करवाने का इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था। साल 1986 में ढाका में इलेक्शन घोषित हुए। चुनाव के कुछ समय पहले ही शेख हसीना को रिहा कर दिया गया। चुनाव हुए और बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग ने करीब 100 सीटें जीती। बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाया तो शेख हसीना को विपक्ष में बैठना पड़ा। बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए शेख हसीना लगातार कई प्रयास करती रही। वो जगह जगह रैलियां करती थी। रैलियों में 19 बार शेख हसीना को मारने की कोशिशें भी हुई। वो हर बार अपने समर्थकों के कारण बच जाती थी। कई हमलों में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी मारे गए। दोस्तों, सन 1988 में उनकी कार में ही बम प्लांट कर दिया गया। शेख हसीना चिटगांव में चुनावी रैली के लिए गई थी। जिस समय उन्हें जानकारी मिली वो कार में ही सवार थी। शेख हसीना को तो बचा लिया गया, लेकिन इस हमले में करीब 80 लोगों की जान चली गई। हत्या के इन प्रयासों से बचते बचाते साल आया 1991। बांग्लादेश में दोबारा चुनाव कराए गए। इस चुनाव में शेख हसीना को जीत की उम्मीद थी, लेकिन बीएनपी को सामान्य बहुमत मिला। शेख हसीना ने आवामी लीग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा की पेशकश की, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं ने उन्हें इस्तीफा देने से मना कर दिया। हार के बाद शेख हसीना ने विपक्ष में बैठना स्वीकार किया। 1996 में फिर आम चुनाव हुए। शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी दोस्तों। उनका ये कार्यकाल बांग्लादेश और भारत के लिए बेहतर संबंधों की शुरुआत था दोस्तों। इसके बाद 2001 में भी चुनाव हुआ और अब आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी हार गई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी को 2/3 बहुमत मिला। शेख हसीना ने केयरटेकर गवर्नमेंट पर ठीक तरह से चुनाव ना करवाने का आरोप लगाया। अब बीएनपी सत्ता में थी तो आवामी लीग के नेताओं की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई। बीएनपी का विरोध करते करते साल आया 2007। शेख हसीना अमेरिका की यात्रा के लिए गई हुई थी। उनके जाते ही उन पर देश में प्रवेश करने से रोक लगा दी गई। शेख हसीना ने करीब 15 दिन अमेरिका में बिताए, लेकिन अब यहां से शेख हसीना की किस्मत पूरी तरह से पलटने वाली थी दोस्तों। अब विरोधियों पर शेख हसीना काल बनकर टूटने वाली थी। बढ़ते विदेशी और बांग्लादेशी पब्लिक के दबाव के चलते बीएनपी को शेख हसीना से बैन हटाना पड़ गया, और फिर जब वो लौटी तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही शेख हसीना एयरपोर्ट पहुंची, भीड़ उनके स्वागत के लिए टूट पड़ी। साल 2009 में फिर चुनाव हुए। शेख हसीना की जीत हुई। इसके बाद 2014 में फिर से जीत हुई। इसके बाद 2019 में फिर बंपर बहुमत के साथ शेख हसीना की जीत हुई, और अब 2024 में पांचवी बार सत्ता में वापस लौटकर पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री बनने वाली मुस्लिम महिला बन गई है शेख हसीना। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी ने इस बार चुनाव का बहिष्कार किया। मतदान प्रतिशत भी कुछ कम रहा,
लेकिन आवाम लीग की बड़ी प्रचंड जीत हुई। एक बात और, बांग्लादेश के भीतर ना बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, वहां मशीनी धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ी बात यह है कि शेख हसीना अपना चेहरा होर्डिंग्स में चमकाकर या कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स पर अपनी फोटो लगाकर या थैंक यू शेख हसीना जी करवाकर या फिर विदेशों में अपना पेट डंका बजवाकर पांच बार की प्रधानमंत्री नहीं बनी। इसके पीछे जनता का अगाध प्यार है। दोस्तों, दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला शेख हसीना की कहानी में इतना ही। अब अगली बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखा जाए ना तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, स्ट्रगल करने के बाद 19 बार उनको मारने की कोशिश की गई, 19 बार, और देखा जाए उनकी फैमिली को भी सबको खत्म कर दिया। दो बहनें बची, उसके बाद ये फिर चली गई 6 साल तक बगैर आइडेंटिटी के, ये भारत में रही है, और उसके बाद फिर उसके बाद जब बांग्लादेश आई है तो इनको फिर आते ही गिरफ्तार कर दिया गया। मतलब बहुत ही ज्यादा परेशानियां, और उसके मतलब उसके बाद इतनी स्ट्रगल करने के बाद अब वो बनी है, और उन्होंने पूरी दुनिया में, हाँ मतलब पूरी दुनिया में ये एक रिकॉर्ड है कि एक मुस्लिम महिला जो है वो बनी है जी पांचवी बार प्रधानमंत्री। आखिर यार वो अपने देश के लिए काम करवा रही है तो वाम उन्हें पसंद कर रही है। देखिए तो उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, जिस तरह मतलब उनके फादर ने ना बांग्लादेश को बनाया, और उन्होंने भरपूर कोशिश करके बांग्लादेश को ऊपर लेके गए। 20 लोग शेख मुजीबुर रहमान एक टाइम पर मार दिए गए, और 18 गोलियां सिर्फ उनको शेख मुजीबुर रहमान को लगी थी। मतलब इतनी डीपली हिस्ट्री हमें नहीं पता थी, ये मतलब स्टोरी जो बताई। ये नहीं अभी तक पता चला कि किसने ये किया था, नहीं शेख मुजीबुर रहमान को किसने मरवाया था, नहीं ये नहीं पता था। मतलब किसने मारा और किसने, ये मतलब देखा जाए फिर पॉलिटिक्स का कुछ भी चलता है भाई, लेकिन ये है कि जो इनकी डॉक्यूमेंट्री थी, इनकी स्टोरी थी, बहुत ही मतलब एक एक ही चीज जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। ये जो वीडियो बनाई है इन्होंने भी बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाई है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सुस्त थाकुन, बालो थाकुन।